हेलो, मैं हूँ प्रीति और मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम देखते हैं मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कैसा है और आपको हम बताते हैं डिटेल में। ये मेजर ध्यानचंद का स्टैचू है और इसे नेशनल स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। 1933 में बना था और फिर बाद में 1951 में एशियन गेम के लिए यूज़ किया गया इसे, और फिर कुछ दिन के बाद मतलब 2002 में इसका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद स्टेडियम रखा गया। ये गेट नंबर 1 है और लेफ्ट और राइट दो स्टेडियम है, जिसमें एक क्रिकेट की है और दूसरा हॉकी की है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये FOP 3rd है, फील्ड ऑफ प्ले। ये प्रैक्टिस कोर्ट है, काफी अच्छा लग रहा है देख के, पर इसमें टूर्नामेंट नहीं होती है, नेशनल और इंटरनेशनल गेम नहीं होते हैं, बस ये इसमें प्रैक्टिस होती है बच्चों। मैं आ गई हूँ लॉन्ग टेनिस की तरफ। ये अंदर में ही है, काफी बड़ा है, तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कैसा है ये। जैसा कि आप देख रहे हैं ये क्ले कोर्ट है। बच्चे मन लगा कर प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये इसमें 5 कोर्ट हैं। अगर यहाँ पे आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो फॉर्म भरना होता है, भर के आप आ सकते हैं। देखिए एक लास्ट में है स्क्वेश कोर्ट, उसमें भी बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये ओल्ड वाली और एक ये नया खुला है, ये 2022 में जून में खुला हुआ है, ओपन हुआ है, पर अभी इसमें प्रैक्टिस नहीं होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं बिल्कुल नया है। अब मैं स्विमिंग पूल की तरफ आ गई हूँ। देखिए काफी बड़ा है ये भी, और चलिए हम अंदर की तरफ जाके दिखाती हूँ कैसा है ये। इसका ओपनिंग 2014 में हुआ था। तो चलिए अंदर। ये बंद था, ये कोरोना के कारण ये बंद पड़ा हुआ था, तो काफी बुरी हालत में है अभी। यहाँ पे कोई अभी नहीं है, प्रैक्टिस नहीं होती है। बिल्कुल खराब स्थिति में है ये। कोरोना ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, तो शायद अब ओपन होने का चांस है। काफी बड़ा है ये, जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत अच्छा बनाया गया है इसे। इसका लेंथ 50 है और वेड 18 है और डेप्थ 6 to 10 है। 10 मतलब काफ़ी गहरा है। पानी बिल्कुल ख़राब हो रही है जैसा कि आप देख रहे हैं। शायद ये दोबारा ओपन हो और फिर बच्चे प्रैक्टिस कर सकें। ये बाहर का एरिया में ओपन जिम है जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ पे हॉकी के 3 स्टेडियम हैं। तो मैं ये आ गई हूँ FOP 2 की तरफ। बहुत ही सुंदर है जैसा कि आप देख रहे हैं। इसमें बैठने के लिए कुछ सीटिंग है और VIP के लिए कुछ बने हुए हैं। यहाँ पे नेशनल और इंटरनेशनल गेम हो सकते हैं। बहुत
बहुत ही सुंदर है। अब मैं फाइनली FOP फर्स्ट जो यहाँ का मेन है, मेन हॉकी स्टेडियम है, मैं वहाँ आई हूँ। चलिए मैं दिखाती हूँ अंदर से ये कैसा है। बहुत ही बड़ा, बहुत ही सुंदर बनाया गया है इसे। जैसा आप देख रहे हैं इसका नाम मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम। बहुत ही सुंदर, इसमें सीटिंग कैपेसिटी 14,000 है। इसको 1951 में एशियन गेम हुआ था इसमें, जिसमें कि स्टेडियम होस्ट बना था। कम एंड प्लेस स्कीम के अंदर इसमें इसका कुछ चार्ज बहुत कम चार्ज है। इसके थ्रू आप आ सकते हैं, एक फॉर्म भरना होता है, मिनिमम चार्ज है उसको पे करके। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हॉकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, यहाँ पे खेल सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर ये स्टेडियम है, काफी कलरफुल और बहुत ही अच्छे से बनाया गया है इसे। मैं आपको चारों साइड से दिखा रही हूँ, इसका व्यू बहुत अच्छा बनाया गया है इसे। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय।